वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर ट्रिक को बहुत लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। लोगों को अपनी एप्लीकेशंस तो हाइड करनी है, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसमें एप्लीकेशंस को हाइड कर सके। बट आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उसमें आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल अपने मोबाइल फोन के डायलर में ही अपनी एप्स को हाइड कर सकते हो, जिससे भी आप हाइड करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही छोटे से तरीके से बताने वाला हूँ। प्रोसेस को अंत तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। और वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं प्रोसेस की, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहां से आगे हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा ओके। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कुछ एप्लीकेशंस को हाइड किया हुआ है एंड अपने डायलर में ओके। मैं यहाँ से अगर डायल करता हूँ, मेरे वैसे कोड भी दिखा देता हूँ, मैं बाद में तो चेंज कर दूँगा आप कौन सा मेरा फोन यूज़ करने वाले हो। एंड एप्लीकेशन कोई ज़रूरत नहीं आपको डाउनलोड करने की। एंड आपकी जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिन्हें आप चाहते हो कि भाई ये किसी को पता ना लगे, आप अपना किसी को फ़ोन देना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशंस मुझे नहीं शेयर करनी किसी के साथ, कोई मेरी एप्लीकेशंस को ना छेड़े, आपको सिंपल डायलर में उन्हें हाइड कर देना है। मैंने जैसे हाइड की हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा कोड ये है ओके। एंड मैं यहाँ से हेल्प पेस्ट करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी एप्लीकेशंस खुल के आ गए, हिडन एप्लीकेशंस। एंड आपको ये ऐप कहीं भी नहीं दिखेंगी, मैं अपनी एप्लीकेशंस में भी आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं होंगी ये वाली एप्लीकेशंस जो नहीं हुई है। फेसबुक आपको कहीं दिख जाए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं है ना, क्योंकि ये वो हिडन एप्लीकेशन है जिन्हें मैं हमेशा हाइड रखना चाहता हूँ। एंड मैं जब यूज़ करूँ मैं उन्हें आप खोल के देख सकता हूँ। एंड वापस से आपको दिखा देता हूँ, बस अभी तो नहीं आएगा दोबारा से, मैं ये देखो हिडन एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो इस तरह आप हाइड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या प्रोसेस है। एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायलर में ही हो जाएगा। मिनिमाइज करो यहाँ से, एंड यहाँ से अब आपको क्या करना है आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। सेटिंग्स में आपको जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के, यहाँ से आपको जाना है सिंपल सिक्योरिटी में ओके। आप सिक्योरिटी में आ जाओ, यहाँ पे सबसे नीचे आप जाओगे तो जैसे मेरे पे ऐप लॉक है, यहाँ पे ओरोके में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं ऐप इंक्रिप्शन ओके। यहाँ पे ऐप लॉक हो गया, ऐप इंक्रिप्शन होगा, आप सिंपल ऐप लॉक पे आपको जाना है। एंड ऐप लॉक पे जैसे आप टैप करोगे, अब यहाँ से ये सेटिंग्स में आपसे पासवर्ड मांगेगा कि भाई पासवर्ड रख दो कोई भी, ताकि आप ऐप लॉक को आपके अलावा कोई और ना देख पाए ओके। जैसे मैंने पासवर्ड रखा हुआ है यहाँ पे, मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैं मोस्टली चार वर्ड के ही पासवर्ड रखता हूँ, तो मैं फॉरवर्ड ले लेता हूँ, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल यही कर लेता हूँ ओके। डन हो गया। अब यहाँ पे ये पूछेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ योर टीचर, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं अपनी एक टीचर का नाम रख लेता हूँ ओके। मैंने अपनी मैम का नाम रख दिया है एंड यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ ओके। डन। अब आप कौन सी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशन पे लॉक लगाना चाहते हो, यहाँ से आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो ओके। डन, यहाँ से हो गया है। एंड अब आप इसे यहाँ से कर दो बैक, अब तो ये लॉक लग गया है। एंड वापस अब सिक्योरिटी पे आपको ऊपर जाना है एंड यहाँ पे अब आप जाना है सिक्योरिटी से ऊपर प्राइवेसी में। आप प्राइवेसी में आ जाओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप्स ओके। अब हमें ऐप हाइड करनी है, डबल सिक्योरिटी हमने लगा दी है, हमने ऐप लॉक भी लगा दिया, हम ऐप भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं वही वाला जो मैंने वहाँ पे डाला था, डू नॉट रीस्टोर, मेरी एप्लीकेशंस मैं जो चाहूँ वो हाइड करूँगा ओके। तो यहाँ से सेटिंग, कोई भी आपको कोड डालना है, जैसे मैंने वो हैज़ 2222 एंड हैज ओके, इसे मैं कर देता हूँ ओके। यही मुझे पासवर्ड रखना है, इसी कोड के बाद मुझे मेरी सारी एप्लीकेशंस दिखाई देनी चाहिए। डन, यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ ओके। अब मुझे ऐप हाइड करनी है, जो भी एप्लीकेशन मैं हाइड करना चाहता हूँ आपके सामने हाइड कर रहा हूँ। एंड इन्हीं ऐप्स को मैं आपको वहाँ दिखा दूँगा, जीमेल भी कर लेते हैं ओके, अभी के लिए ये भी कर लेते हैं, गैलरी भी, फोटोज़ भी, स्नैपचैट कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं ओके। ऐप मैंने हाइड कर दिया सारी, अब यहाँ से मैं जा सकता हूँ बैक, बैक ये मेरी ऐप हाइड हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ मिनिमाइज, अगर मैं सारी चीज़ें हटा भी दूँ अब यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, फेसबुक आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कोई भी ऐप नहीं है। अब मैं अपना फ़ोन किसी को भी दे सकता हूँ, जिसको मेरा मन करे, जिसको मुझे दिखाना है भाई देख ले, क्योंकि अब मेरी एप्लीकेशन पर तो लॉक लगा पड़ा है ना। अब सिंपल मैं यहाँ से अगर मैं डायल करूँगा ओके, डायलर में चले जाते हैं, मैंने जो भी पासवर्ड लगाया था हैस 2222 हैस, ये मेरी हिडन एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब मैंने सिंपली यूज़ कर सकता हूँ, जब भी चाहूँ मेरा मन जब करेगा मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल है, आपको पता लग गया होगा। एंड मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, सिर्फ एंड्रॉयड है। एंड अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल आसान है, सिंपल
हाइड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को ऐसा है। ओके देख सकते हो, देखा कितना आसान सा तरीका था। तो ऐसे आप चुटकियों में अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो सिर्फ एक कोड डाल के। और उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, एंड्रॉइड और आईओएस से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आपको इन्फॉर्म करता रहता हूं। थैंक यू सो मच।